के लिए एकदम क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े की रेसिपी, इसे मैं कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। बनाने में बहुत ही सिंपल है, ये एक परफेक्ट टी टाइम स्नैक्स है। तो रेसिपी जल्दी से शुरू करते हैं। न्यू स्टाइल का ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ हमने 10 से 12 आलू उबाल लिए हैं, उबाल कर इनको छील लिया है। अब सबसे पहले हम इनको मैश करेंगे, या तो आप मैशर की सहायता से मैश कर लीजिए, या इस प्रकार इनको अच्छे से फोड़ लीजिए और फिर इसकी हम पिट्ठी तैयार करेंगे। देखिए आलू हमने सारे फोड़ लिए हैं, अब आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ हमने गैस पर एक पैन रखा है, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। ऑयल आप जो भी इस्तेमाल करते हो वो ऐड कर दीजिए। यहाँ हमने एक बड़ी कलची भर कर ऑयल डाला है। अब डालेंगे एक हरी मिर्च, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब ऐड करेंगे आधी चम्मच हींग पाउडर, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला। मसालों को सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अपने फूटे हुए आलू या मैश करे हुए। आलूओं को मसाले में मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे आधी चम्मच अमचूर पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे। यहाँ ब्रेड पकौड़े के लिए हमारी बढ़िया सी चटपटी पिट्ठी बनकर तैयार हो गई है। जब तक हमारी पिट्ठी ठंडी होती है जब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ब्रेड पकौड़े का बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 से 3 प्याज लंबी लंबी काट ली हैं, क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी, इसीलिए आप मेरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। यहाँ मैंने 100 ग्राम बेसन लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसमें डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हमने पिट्ठी में भी लगाया है, इसलिए नमक यहाँ हम कम ही ऐड करेंगे। अब इसको हाथ की सहायता से अच्छे से घोल लेंगे। देखिए इसका घोल हमें इस प्रकार बनाना है। अभी हमारा थोड़ा सा घोल ये ठीक है, क्योंकि ब्रेड इसमें लिपटने की नहीं है अच्छे से, इसीलिए इसमें हम अभी थोड़ा सा बेसन और ऐड करेंगे और पानी और ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन और लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। यदि आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च और भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं। इसको और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ब्रेड पकौड़े का बैटर तैयार है, अब आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने 3 स्लाइस ब्रेड के लिए, ब्रेड के हम किनारे काट देंगे कैंची की सहायता से या चाकू की सहायता से। देखिए इस प्रकार तीनों स्लाइस ब्रेड के हमने कटिंग कर ली है साइड से। देखिए अब इसके बाद सबसे पहले हम ब्रेड को थोड़ा थोड़ा बेलेंगे। इसको इस प्रकार हम बेल लेंगे। देखिए इसी प्रकार बाकी की 2 ब्रेड भी हम बेल लेंगे। अब इसको हम बीच से इस प्रकार काट लेंगे। हम लगाएंगे चटनी। देखिए चटनी हाँ मैंने पीसी हुई थी, चटनी का लिंक आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। अब ये जो हमने आलू की पिट्ठी तैयार करी थी इसको हम लगा देंगे। अब इसको और डिलीशियस बनाने के लिए लगाएंगे पनीर की स्लाइस। इस पे लगाएंगे अब हल्की सी चटनी ताकि पनीर हमारा फीका ना लगे। अब दूसरी ब्रेड को इस पर चिपका देंगे। अभी बेसन का जो घोल जो बनाया था हमने प्याज बेसन का,
इसमें ब्रेड पकौड़े को इस प्रकार अच्छे से डिप कर देंगे। तो ये एकदम क्रिस्पी और डिलीशियस ब्रेड पकौड़ा हमारा बन जाएगा। यहाँ हमने कढ़ाई रखी थी गरम होने के लिए, कढ़ाई हमारी अच्छे से गरम हो गई है। इसमें हमने ब्रेड पकौड़ा डाल दिया है और हमें लो मीडियम फ्लेम पर सेकना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब इसको हल्के हाथ से पलट देंगे। देखिए ब्रेड पकौड़ा एकदम सिक्कर तैयार हो गया है। इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए बना है ना कितना अच्छा। इसमें प्याज भी आलू भी सब कुछ है, खाने में तो और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा ये। तो लीजिए दोस्तों, टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा रेडी है। इसे सर्व करें ग्रीन चटनी और केचप के साथ। देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो आप भी जल्दी से चाय के साथ ये स्नैक्स बनाएं और एंजॉय करें फैमिली के साथ। मैं लाती रहूंगी ऐसी ही डिलीशियस रेसिपी। तब तक के लिए थैंक यू।